आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम गोभी के कटलेट बनाने जा रहे हैं। कटलेट बनाने में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको दिखाते हैं। ये 250 ग्राम या 2 कटोरी हमने गोभी ली है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1/4 कटोरी हमने धनिया लिया है और ये 1.5 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए हैं, 1/4 कटोरी हमने चावल का आटा और 3/4 बेसन, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच मिर्च, 1 प्याज और 3 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे। अब हमने गोभी कद्दूकस कर ली है और प्याज, हरी मिर्च, अदरक सब काट लिए। अब हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब ये कद्दूकस करी हुई गोभी हम डाल रहे हैं। बेसन भी ऐड करते हैं, ये चावल का आटा, धनिया, प्याज, ये तिल, सफ़ेद तिल, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, इन सबको हम अब एक साथ मिला लेंगे। अच्छे से मिला लें, इसको मिलाने में कंजूसी ना करें, इसमें पानी नहीं मिलाना है। कोई भी मिक्सर अच्छी तरह से मिला हुआ होगा तो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। यदि अच्छी तरह से हम नहीं मिलाते हैं तो कहीं मसाले कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, तो उनका टेस्ट नहीं आ पाता। अब हमारा मिश्रण मिल चुका है। आप देखिए कि आपको मिश्रण ऐसा रखना है, पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर आपसे कटलेट नहीं बन पाएंगे। तेज़ गैस पे एक पैन रख दीजिए और उसमें जो हमने ऑयल लिया है वो डाल दीजिए। हमें ये डीप फ्राई नहीं करनी है, हमें शैलो फ्राई करनी है। इतने हमारा तेल गर्म होता है, इतने हम अपने कटलेट तैयार कर लेते हैं। आप कटलेट किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम गैस अपनी मंद कर देंगे और इसके अंदर इनको ऐड कर देंगे। अब इनको हम आराम से पलट देते हैं। अब ये हम एक तरफ से हमारे सुनहरे हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से सुनहरे करने हैं। अब हमारे दूसरी तरफ से भी सुनहरे हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब हमने ये दूसरी शेप पे बनाए हैं वो डाल रहे हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इनको आप धीरे से पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी सुनहरे होने तक सेक लीजिए। यदि आपको मेरे बनाए हुए कटलेट पसंद आए तो आप अपने घर में जब भी बनाए तो आप बताना कमेंट में कि आपको कैसे लगे। हमारे कटलेट तैयार हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी